माणिक मॉडल एक ज्वेलरी भर पाटू में स्वागत है आप लोगों का। तो आज आपका मॉडल एक ज्वेलरी भर का पार्ट टू, और इससे पहले हम लोग पार्ट वन का क्लास किए थे, है ना, वीडियो पार्ट वन का बनाए थे और आज पार्ट टू हम लोग देख लेते हैं। तो पार्ट वन में हम लोग जो सीखे थे, तो पार्ट वन में कोई डीप बात नहीं किए थे, केवल मॉडल एक ज्वेलरी भर के बारे में, ऑक्सिलरी भर के बारे में और मेन भर के बारे में, और सभी मॉडल एक्जिलरी वर्ब के वर्ड्स के बारे में हम लोग उसको डिटेल से देखे थे कि मॉडल एक्जिलरी वर्ब का वर्ड कौन कौन होता है और उसमें उसका यूज कहां कहां है, किस कंडीशन में कौन कहां पे इसको यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आज से मॉडल एक्जिलरी वर्ब के हर एक वर्ड्स को, है ना, वन बाय वन ओपन करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पे दो वर्ड आपको दिया गया है, हिंदी में एक वर्ड और इंग्लिश में दो वर्ड। जैसे देखिए यहां पे आपको दिया गया है सकना, तो हम बताए थे कि सकना का मीनिंग आपका दो होता है, एक कैन भी होता है और एक मे भी होता है। देखने में तो आपको हिंदी पढ़ने के बाद जब आप हिंदी पढ़िएगा तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि इस हिंदी के साथ ये पुट हो सकता है, ये ठीक है, या तो फिर कभी लगेगा नहीं 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 यही पुट होना चाहिए। मतलब कि चैप्टर जो है मॉडल एक्जिलरी वर्ब आपको सस्पेंस से भरा रखेगा, एकदम सस्पेंस, कभी लगेगा ये हो जाएगा, फिर लगेगा नहीं नहीं ये होना चाहिए, फिर जब गौर से देखिएगा तो लगेगा ना इसी का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, ये पूरा सस्पेंस में आपको रखेगा। तो आज हम लोग जो क्लास पार्ट टू का कर रहे हैं, आप इसी सस्पेंस को हम लोग क्लियर कर लेंगे। और कितने मॉडल एक्जिलरी के वर्ड्स के बारे में, केवल दो के बारे में, एक केन के बारे में और एक मे के बारे में। केन के मींस भी सकना और मे के मींस भी सकना। जब आपके एग्जाम में आपको दिए जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको जिसे एग्जाम में देखिए आपका इस प्रकार से रहेगा, है ना, इस प्रकार से आपका एग्जाम में रहे, है ना। और यहाँ पे विकल्प आपको दे दिया जाएगा, केन, कुड, मे, माइट, इस प्रकार से चार विकल्प दे दिया जाएगा और वन फिल करने को रहेगा नंबर दूसरा, है ना। देखिए इस प्रकार से रहेगा। अब यहां दे देगा कि आप मे भरिए या केन भरिए या सेल भरिए, इस प्रकार से सेल भरिए या सूट भरिए, इस प्रकार से दे देगा। यहां भी आपको चार विकल्प दे देगा ऑप्शन में, ऑब्लिक में करके, समझे। तो इस टाइप से आपको देखना होगा, समझना होगा, इसको पढ़ करके पहले आपको हिंदी करना होगा कि हिंदी सेंस क्या दे रहा है, तो उसके हिसाब से पुट करेंगे, है ना। तो हम लोग इसी लेवल से हम लोग यहां भी देखते हैं, आइए देखिए इसी को हम लोग देखते हैं। केन के मींस भी सकना और मे के मींस भी सकना, लेकिन इसका प्रयोग कहां कहां। सबसे पहले देखिए केन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो केन का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, एबिलिटी के लिए। नंबर दूसरा, केन का प्रयोग हम लोग करते हैं कहां करते हैं, पावर के लिए। नंबर तीसरा, केन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं कहां करते हैं, कैपेसिटी के लिए। कहता है कि यदि आपका सेंटेंस रहे और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद एबिलिटी का बोध हो रहा है तो यहां केन का प्रयोग होगा। उस सेंटेंस को आप पढ़िएगा और पावर का बोध हो रहा है तो यहाँ, सॉरी, हाँ, पावर का बोध हो रहा है तो यहाँ पे फिर पावर का होगा। सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद पता चले कि कैपेसिटी का बोध हो रहा है तो वहां पे भी हम लोग केन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता कैसे चलेगा, तो हम लोग अभी तो पहले देखेंगे रूल बाई रूल, रूल नंबर एक, रूल नंबर दो, फिर हम लोग मे की ओर भी आएंगे। देखिए मे का इस्तेमाल जो किया जाता है कहां कहां किया जाता है, तो टेप परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कहां कहां इस्तेमाल करना चाहिए, टेप परमिशन के लिए नंबर एक, नंबर दूसरा गिव परमिशन के लिए, गिव परमिशन के लिए, नंबर तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए, नंबर चौथा, इसके अलावा भी आपको पॉसिबिलिटी के साथ किया जाता है, कहां किया जाता है, पॉसिबिलिटी, संभावना होता है पॉसिबिलिटी। आगे देखिए इसके अलावा भी आपको कहां इस्तेमाल किया जाता है,
कुछ ऐसा आपको मिलेगा इन ऑर्डर, इन ऑर्डर डैट, या तो फिर मिलेगा आपको स डैट, या तो फिर मिलेगा आपको डैट। इन तीनों में से कोई एक वर्ड मिल जाए तो इसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन इतना पढ़ने से हम लोग अभी समझ नहीं गए, है ना, इतना कहकर यदि छोड़ दिया जाए तो पकड़ में बात आने वाली नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे कि किसका इस्तेमाल कहां किया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, क्या देते हैं, यूज ऑफ केन, क्योंकि केन और मे दोनों एक ही ग्रुप का है, दोनों का मीन्स क्या होता है, सकना होता है। तो आप इधर हेडिंग मार दीजिए क्या, यूज ऑफ केन, यूज ऑफ केन दे दिए। आप देखिए यहां से आइए, क्या देंगे, रूल नंबर एक। रूल नंबर एक में आपको लिखना होगा इस प्रकार से, केन इज यूज्ड टू इंडिकेट, है ना, केन इज यूज्ड टू इंडिकेट एबिलिटी, क्या चीज हो जाएगा, एबिलिटी। केन इज यूज्ड, केन प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए, किसको इंडिकेट करने के लिए, एबिलिटी को। तो एबिलिटी जो आप कहते हैं, तो एबिलिटी के मीन्स योग्यता, किसके लिए, योग्यता के लिए, है ना, एबिलिटी योग्यता। तो एबिलिटी का जब आपका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार आए कि सेंटेंस हम लिखे और सेंटेंस लिखने के बाद पता चल गया, जैसे एग्जांपल नंबर एक, ठीक है, देखिए, आई कैन रीड ए बुक, नंबर एक। नंबर दू, सी कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर तीन। इसी प्रकार से वी कैन, है ना, राइट, वी कैन राइट एन एप्लीकेशन। देखिए यहां पर जो सेंटेंस आप पढ़िए, तो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि योग्यता का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। कर आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं ए बुक, तो यहां पढ़ने का जो बोध हो रहा है, जब भी कोई लोग कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो बोध हो रहा है, तो उनमें तो योग्यता होनी चाहिए पढ़ने का। तो ये सेंटेंस आपका सेंस दे रहा है ना, योग्यता का। इसलिए यहां पे हम ब्लैंक भी रखते हैं, केन नहीं भी लिखते, फिर भी आपको इस जगह पे क्या देना होता, केन देना होता, ठीक है। जैसे आई केन, ये एबिलिटी का शो कर रहा है। दूसरा नंबर, सी कैन स्पीक इंग्लिश, जब कोई लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे यहां तो वह है, वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो ये अंग्रेजी जो बोल रही है ना, ये बोल जो रही है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए उनके पास योग्यता होगा, इट मीन एबिलिटी होगा, तो अंग्रेजी बोल रही है। कहता है वी कैन राइट एन एप्लीकेशन, हम लोग एक आवेदन क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो यहां पे भी योग्यता दिख रहा है, इसलिए ये तीनों सेंटेंस में एबिलिटी का शो हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जो प्रयोग किए हैं, किसका प्रयोग किए हैं, केन का प्रयोग किए हैं। एक तो एबिलिटी के लिए भी आपको केन का प्रयोग करना होगा, और दूसरा आपको फिर इसी जगह हम लोग आते हैं, रूल नंबर टू में आते हैं। कहां आते हैं, टू में, है ना। एक देखिए क्या है, कैन इज यूज टू इंडिकेट किस चीज को, है ना, तो पावर को, पावर, है ना, पावर को, किसको, पावर को, पावर को भी जब होता है बोल, तो पावर को, जैसे पावर मीन्स शक्ति हम लोग कहते हैं, अधिकार भी कह सकते हैं, उसके अधिकार। तो कहता है कि केन इज यूज्ड टू इंडिकेट पावर, ऊपर में केन इंडिकेट कर रहा था, किसको इंडिकेट कर रहा था, एबिलिटी को, लेकिन यहां पे किसको इंडिकेट कर रहा है,
पावर को, मतलब अधिकार को। जैसे कोई बड़े अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को डिसमिस कर ले, जैसे कोई प्रिंसिपल स्कूल के हैं अपने टीचर को हटा दे, है ना, टीचर अपने स्टूडेंट को वो क्लास से निकाल दे, इस प्रकार से कुछ ऐसी अधिकार होती है। तो इसके लिए हम लोग किसका पावर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल जब इसका देखिएगा तो आपको एग्जांपल इस प्रकार से मिलेगा। नंबर ए द बैंक मैनेजर, क्या चीज हो जाएगा, द बैंक मैनेजर, है ना, द बैंक मैनेजर कैन क्या चीज कर सकता है, डिसमिस, कैन डिसमिस द स्टाफ, किसको कर सकता है, स्टाफ को। तो बैंक मैनेजर जो वहां पे है उच्च अधिकारी के पोस्ट पे, और वो अपने स्टाफ जो उनके कर्मचारी उनके निचले स्तर के जो लोग हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि बैंक मैनेजर का पावर है ना, उनके अधिकार के अंदर है। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग फिर यहां ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, द डीएम, है ना, द डीएम कैन डू इट, जब डीएम का जो मन हो, है ना, मार्केट बंद करवाना तो डीएम का अधिकार है, एक सेकेंड में क्या हो जाएगा, सारा मार्केट बंद हो जाएगा। अब जैसे पुलिस उसको अरेस्ट करना है तो उसका एग्जांपल देखिए क्या चीज हो जाएगा, तीसरा नंबर देखिए, द पुलिस कैन अरेस्ट हिम। देखिए पुलिस का पावर है, किस चीज का पावर है, है ना, अरेस्ट करने का, इट मीन गिरफ्तार करने का। तो यहां पे जो हम लोग तीन सेंटेंस देख रहे हैं, बैंक मैनेजर डिसमिस कर रहा है स्टाफ को, ये भी अधिकार का बोध हो रहा है, डीएम कुछ कार्य इस प्रकार कर रहे हैं ये भी इनका अधिकार हो रहा है, कह रहा था पुलिस कैन अरेस्ट हिम, पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, ये भी पुलिस का अधिकार हो रहा है। तो यहां तो एक नंबर में आप देखें एबिलिटी, एक दूसरा नंबर में देखें पावर, और एक और हम लोग देख लेते हैं इसी में रूल नंबर थ्री में, है ना, रूल नंबर थ्री में। तो थ्री में हम लोग किसको देख लेते हैं, देख लेते हैं कैपेसिटी को, क्या चीज कर जाएंगे, इस प्रकार से कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट, या आप एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं इंडिकेट के जगह पर, कैन इट यूज्ड टू इंडिकेट किसके लिए, हाँ कैपेसिटी के लिए, है ना, कैपेसिटी, देखिए कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, है ना। जब कभी हम लोग कैपेसिटी का बोध करते हैं तो समझ जाइए कि ये कैपेसिटी क्या चीज है, क्षमता का बोध हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कोई चीज को उठा सकते हैं, तो उठाने के लिए उसमें क्षमता का जरूरत पड़ता है, पड़ती है ना, है ना। देखिए तो एग्जांपल यदि लिखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, एग्जांपल नंबर कितना, एक, है ना, देखिए आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या चीज कर सकते हैं, मैं इस बक्सा को उठा सकता हूं। तो जब आप बक्सा को उठाइएगा तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कैपेसिटी का जरूरत पड़ेगा, इट मीन क्षमता का जरूरत पड़ेगा। तो कैपेसिटी का जब जरूरत पड़ेगा तो यहां भी इस्तेमाल होगा, और किसका इस्तेमाल होगा, कैन का इस्तेमाल होगा। जैसे ऊपर से है एबिलिटी का बोध हो तो भी कैन का प्रयोग, पावर का बोध हो तो भी कैन का प्रयोग, और कैपेसिटी का बोध हो तो भी कैन का प्रयोग, है ना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्सा को क्या कर सकता हूं, उठा सकता हूं। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, बक्सा उठाने के लिए कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे आपको कैपेसिटी का बोध करना है। अब जैसे हम किसी नदी में कूद गए तो मेरे अंदर वैसा क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि एबिलिटी से तो आप नदी में कूद नहीं सकते, है ना, पावर से शक्ति से अधिकार से तो आप नदी में नहीं कूद सकते हैं। देखिए क्या चीज हो जाएगा, हाँ इस प्रकार से आई के क्या चीज कर सकते हैं, जंप, आई के जंप कहां, इन दिस रिवर, कहां कर सकते हैं,
इस रिवर में, मतलब इस नदी में मैं जब जंप कर सकता हूं, जब मैं जंप कर सकता हूं तो जंप करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक चीज को जरूरत पड़ेगा और वह क्या चीज है? कैपेसिटी है, है ना। तो देखिए ये दोनों सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है? कैपेसिटी का बोध हो रहा है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स जब रहेगा, मॉडल एक्जुलरी भर वहां नहीं रहेगा, है ना। और ये हम आपके कहा जाए तो व्हाट्सएप पे हम आपको एक प्रैक्टिस से किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके प्रैक्टिस से व्हाट्सएप कर देंगे, है ना। आप लोग उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा और इसी टाइप का हम व्हाट्सएप पे वो भेजेंगे पेपर, इसी टाइप का होगा सब, है ना। देखिए तो यहाँ एक नंबर में एबिलिटी के लिए, पावर के लिए और कैपेसिटी के लिए, तो केन का प्रयोग हम लोग करते हैं, तीन सिचुएशन में करते हैं, लेकिन सब का अर्थ क्या चीज निकलेगा? सकना। मेन तो सकना है, अब सकना से आपका क्या हो सकता है? सकता है, दूसरा शक्ति है, तीसरा सकते हैं, चौथा सकता हूं, पांचवा सकती हूं। देखिए इस प्रकार से आपको आपका मेन तो सकना हो गया, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक आप किसी भी सेंटेंस का हिंदी जब कीजिएगा तो आपको अंत में अर्थ सकता है का, सकती है का, या तो फिर सकते हैं का, इसी का अर्थ है। जैसे आप कीजिए आई कैन रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ सकता हूं। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। वी कैन राइट एन एप्लीकेशन, हम लोग एक आवेदन लिख सकते हैं। तीनों के अंत में आया ना सकता है, सकती है, सभी के अंत में वही होगा। देखिए द बैंक मैनेजर कैन डिसमिस द स्टाफ, है ना। वो बैंक मैनेजर क्या कर सकते हैं? डिसमिस कर, स्टाफ को डिसमिस कर सकते हैं। द डीएम कैन डू इट, डीएम ऐसा कर सकते हैं। द पुलिस कैन अरेस्ट हिम, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्सा को उठा सकता हूँ। आई कैन जम्प इन दिस रिवर, मैं इस नदी में क्या कर सकता हूँ? कूद सकता हूँ, है ना, जम्प कर सकता हूँ। तो एबिलिटी का बोध हो तो भी केन का प्रयोग, पावर का बोध हो तो भी केन का प्रयोग, और कैपेसिटी का बोध हो तो भी केन का प्रयोग। ये तो आपका इस्तेमाल किसका है? केन का। इसको आप नोट करिए, बाकी तुरंत हम मे को लेकर के आते हैं, इसको नोट कर लेना है। आइए देखिए अब हम लोग आते हैं कहां के लिए? मे के लिए, है ना, मे के लिए, कि मे का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं। देखिए केवल हिंदी सेंस एक ही आ रहा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो में भी यही आएगा, उसमें भी सकता है, सकती है, सकते हैं, में का भी हिंदी सेंस वही आएगा। केवल आपको सिचुएशन पकड़ना है किसके साथ कहां हम लोग प्रयोग करेंगे, आपको ये पकड़ना होगा, हिंदी करना होगा, आपको अर्थ स्वयं निकालना होगा, है ना। देखिए अब हम लोग आते हैं किसके लिए? यूज ऑफ मे के लिए, यूज ऑफ मे के लिए हम लोग किसका प्रयोग देंगे? मे का प्रयोग देंगे। देखिए रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, तो रूल नंबर वन में हम लोग क्या चीज देंगे, किस प्रकार? देखिए किस प्रकार, मे इज यूज, है ना, किसके लिए? टू टेक परमिशन, टू टेक परमिशन। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, मे इज यूज, मे का प्रयोग किया जाता है टू के लिए, टेक परमिशन, टेक परमिशन के मीन्स अनुमति लेने के लिए। तो अनुमति आपका दो प्रकार का होगा, एक अनुमति लेना और एक अनुमति देना। जैसे आप किसी से पूछिएगा क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, ये अनुमति लेना होगा। यदि वो कह दे कि हां बैठिए,
ठीक है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ये हुआ अनुमति देना। लेकिन आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? टेक परमिशन, अनुमति लेने के लिए। ठीक है, मे इज यूज्ड टू टेक परमिशन, अनुमति लेने के लिए। तो अनुमति कैसे लिया जाता है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर एक है ना, मे आई, क्या चीज कर सकते हैं, मे आई सीट विथ यू। देखिए क्या चीज है, मे आई सीट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। कोई कह रहा है तो इसे ये समझ आइए कि अनुमति ले रहा है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। यहां पे ये स्पष्ट कर दिया है, मे आई सीट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, है ना, ये अनुमति दे रहा है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ये भी अनुमति लेने की बात हो रही है और ये भी अनुमति लेने की बात हो रही है, दो हुआ ना, है ना। देखिए तीसरा यदि देना हो तो आप ऐसे दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मे आई टेक योर पेन, है ना, टेक योर पेन। देखिए तीनों जो सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस टेक परमिशन कर रहा है, परमिशन ले रहा है, अनुमति ले रहा है। कैसे ले रहा है, मे आई सीट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, अनुमति। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, अनुमति। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपके पेन ले सकता हूं, अनुमति। तो अनुमति का जब बोध होता है तो आप उसके लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसके लिए, अनुमति का जब बोध हो, है ना, अनुमति लेने का जब बोध हो, अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग, हिंदी भी लिख दिए, है ना, प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग, आप देखिए रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, यहां तो आप अनुमति ले रहे हैं, अब नीचे इसको अनुमति देने की जब बात आएगी तब कैसे होगा, तो वो भी देख लीजिए। मे ई क्या चाहिए, यूज्ड टू, हाँ, गिव परमिशन, गिव परमिशन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, ऊपर में अनुमति ले रहे हैं और नीचे में अनुमति देने के लिए, है ना, जैसे आप किसी को कहते हैं, है ना, मे यू गो, तो ये आपका क्या हो गया सेंटेंस, आपको कोई कहे मे यू गो तो इसका हिंदी सेंस क्या दे रहा है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो ये अनुमति लेना है कि अनुमति देना है, अनुमति लेना है। लेकिन आप उसी को तुरंत अपोजिट में कह दीजिए, यू मे गो, या तो यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। देखिए एग्जाम्पल एक, क्या चीज हो जाएगा, यू मे गो आउट, यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। दूसरा देखिए, है ना, यू इसी के अपोजिट हम कर देते हैं, यहां ले रहा है और यहां दे रहा है, क्या चीज का कहा, देखिए यू मे सीट विथ मी, यू मे सीट विथ मी, है ना। देखिए आगे, यू मे टेक माई क्या चीज, पेंसिल, है ना, पेंसिल। देखिए कहता है यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, अनुमति दे रहा है। यू मे सीट विथ मी, तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, अनुमति दे रहा है। कहता यू मे टेक माई पेंसिल, तुम मेरे पेंसिल, है ना, ले सकते हो। देखिए लेकिन कहीं कहीं आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं यही जो है, जब हम लोग बोलचाल के लैंग्वेज में लाते हैं तो हम लोग मे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट केन यहां पर लगा दीजिए, है ना, जैसे यू
कैन गो आउट है ना, कब, जब हल्की फल्की हम लोग बोलचाल आपस में करते हैं तब, लेकिन जब लिखने की बात आए, ग्रामेटिकल की बात आए, तब आपको हर हाल में किसका इस्तेमाल करना होगा, मे का इस्तेमाल करना होगा, किसका इस्तेमाल करना होगा, मे का इस्तेमाल। तो अब तक हम लोग दो चीज देखे, एक टेक परमिशन देखे और एक गिव परमिशन देखे। रूल नंबर थ्री में आएंगे इसी प्रकार, देखिए रूल नंबर थ्री में, रूल नंबर थ्री है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मे इज यूज्ड कहा इन ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए क्या लिखे हैं, मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो आपको तो इसको समझना होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, है ना, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के मीन्स होता है किसी सेंटेंस से, किसी वाक्य से श्राप का बोध हो तो भी ऑप्टेटिव, या तो फिर उसी से आशीर्वाद का बोध हो तो भी ऑप्टेटिव, है ना। तो आपको यह देखना होगा कि आशीर्वाद कर रहा है या फिर श्राप कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्टेटिव के अंतर्गत आएगा। तो कहता है मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। बुक में देखिएगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जितना रहेगा सब मे से रहेगा, है ना, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी रहेगा। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल नंबर एक क्या कह रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी समय तक जीवित रहें, आपकी आयु दीर्घ आयु हो। दूसरा देखिए मे गॉड, है ना, मे गॉड क्या चीज, ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। देखिए तो ये दोनों सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये दोनों सेंटेंस क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो आशीर्वाद दे रहा है तो ऑप्टेटिव के अंतर्गत आएगा, और इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का करेंगे, और श्राप भी यदि आए तो भी, जैसे एक एग्जांपल उसे भी ले लीजिए, तब यहां दोनों नहीं तीनों हो जाएगा, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, मे यू डाय, तुम क्या हो जाओ, मर जाओ, नहीं तब ये तीनों क्या हो गया, दो हो गया, हाँ दो हो गया ब्लेस से और एक हो गया कर्स से, है ना, दो हो गया आपका, हाँ ये ऊपर एक और दो नंबर आपका ब्लेस हो गया और नीचे का किसे हो गया, कर्स हो गया। तो अब तक अभी हम लोग देखे हैं कितने रूल देखे हैं, थ्री रूल्स, है ना, किसके लिए, टेक परमिशन के लिए भी, गिव परमिशन के लिए और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। यदि आपको ऐसा कुछ आए तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, मे का इस्तेमाल करना होगा। इसको नोट कर लीजिए, अभी तुरंत रूल नंबर फोर में हम लोग आते हैं इसी का, ठीक है, इसको नोट कर देना। आइए देखिए रूल नंबर फोर में हम लोग आते हैं, थ्री तक क्लियर हो गया, आइए देखिए फोर में क्या चीज आता है। अब देखिए रूल नंबर फोर, तो रूल नंबर फोर में इस प्रकार देखिए, तो रूल नंबर फोर में हम लोग लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, इस प्रकार से, मे इज यूज्ड टू, है ना, मे इज यूज्ड कहां, इन पॉसिबिलिटी, इन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के मीन्स संभावना, संभावना, मे इज यूज्ड इन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के मीन्स संभावना, है ना। देखिए जब आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आपके लिए आता होगा जिसमें आप संभावना को व्यक्त करते हैं,
जैसे कैसे है? आप ऐसा कभी कहते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, ये सेंटेंस जो है संभावना का है, पॉसिबिलिटी का है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरे नंबर में कभी आप कहते हैं ना आपके भाई 15 वर्ष के हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब कभी संभावना का बात आए तो हम लोग इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं यहां पर, आइए देखिए एग्जांपल नंबर एक क्या कहते हैं, इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, ये भी सेंटेंस आपका संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहते हैं, योर ब्रदर मे बी 10 इयर्स ओल्ड, क्या चीज कहते हैं, 10 इयर्स ओल्ड है ना, 10 इयर्स ओल्ड, ये भी आपका क्या है, संभावना है। देखिए सेंटेंस को पढ़िए, योर ब्रदर मे बी 10 इयर्स ओल्ड, आपके भाई 10 वर्ष के हो सकते हैं। यदि आपको ऐसा कोई बोले आपके भाई 10 वर्ष के हो सकते हैं तो यहां भी क्या चीज का बोध हो रहा है, संभावना का बोध हो रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस जो है किसके लिए बोध करने के लिए आया है, संभावना को बोध करने के लिए आया है, इसमें भी संभावना और नीचे वालों में भी संभावना। देखिए सीता एक अच्छी नर्स बन सकती है, तो क्या हो जाएगा, सीता मे बी ए गुड नर्स, सीता मे बी अ गुड नर्स, सीता एक अच्छी नर्स बन सकती है, ये भी क्या चीज हो रहा है, पॉसिबिलिटी हो रहा है, मतलब संभावना हो रहा है। तो ये तीन सेंटेंस आपके सामने जो है पॉसिबिलिटी वाले हैं, तो जब भी पॉसिबिलिटी का बोध हो तो उसके लिए सकना को, ये तीनों का अर्थ क्या चीज आएगा, यही सकना, क्या चीज आएगा, सकना आएगा। जैसे हम लोग केन में देखे थे ना, यहां भी देखिए इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, सकती है। योर ब्रदर मे बी 10 इयर्स ओल्ड, आपके भाई 10 वर्ष के हो सकते हैं। सीता मे बी अ गुड नर्स, सीता एक अच्छी नर्स हो सकती है या बन सकती है। अब देखिए रूल नंबर 5 ना आएगा, हाँ रूल नंबर क्या चीज, 5 और लास्ट, देखिए इसको क्या करना है, मे इज यूज्ड कहां कहां, बीथ कहां कहां करना है, तो इन ऑर्डर डेट ऐसा हो जाए, इन ऑर्डर डेट या तो फिर सो डेट ऐसा हो जाए या तो फिर डेट ऐसा हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ये है क्या, देखिए थोड़ा सा समझिए, है ना। कहता है मे इज यूज्ड, मे का प्रयोग किया जाता है बीच मतलब के साथ, इन ऑर्डर डेट, इन ऑर्डर डेट का हिंदी होता है ताकि, सो डेट, सो डेट का भी हिंदी होता है ताकि, डेट मीन्स ताकि या की, है ना। आप चाहें तो इसको ऑब्लिक में दे सकते हैं, इससे बेटर होगा, कोमा से बेटर होगा, है ना। यदि आपको इन ऑर्डर डेट भी मिले तो भी मैं लेकर के आएगा, सो डेट भी मिले तो भी मैं लेकर के आएगा, डेट भी मिले तो भी मैं लेकर के आएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल क्या है देखिए, है ना। आइए, आई कम हेयर डेली, मैं यहां रोज आता हूं, है ना, मैं यहां रोज आता हूं, इन ऑर्डर डेट, क्या चीज कर सकते हैं, इन ऑर्डर डेट, इन ऑर्डर डेट। उसके बाद आई, आई उसके बाद खाली छोड़ देते हैं, आई खाली दे दिए, है ना। लर्न इंग्लिश, लर्न इसको फिर से समझाते हैं, लर्न इंग्लिश। देखिए एक सेंटेंस यहां पे लिखे हैं, आई कम हेयर डेली, मैं यहां प्रत्येक दिन आता हूं, इन ऑर्डर डेट ताकि, इसलिए कि, आई मैं लर्न इंग्लिश,
अंग्रेजी सीख सकूं। तो आई आया है ना, तो इसी खाली जगह के जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का, है ना। फिर चाहिए आई कम हियर डेली इन ऑर्डर दैट आई मे लर्न इंग्लिश, मैं यहां प्रत्येक दिन आता हूं ताकि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, है ना। मैं यहां प्रत्येक दिन आता हूं ताकि मैं अंग्रेजी क्या कर सकूं, सीख सकूं। अब देखिए दो नंबर में ये तो इन ऑर्डर डेट वाला आ गया बाय दी वे, इसके बजाय ये भी आ सकता है तो भी मे का प्रयोग, इन दोनों के जगह पे ये भी आ सकता है तो भी मे का प्रयोग। तो एक और कुछ देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू, सो डेट वाला हम लोग देख लेते हैं, क्या चीज देख लेते हैं, हाँ इस प्रकार से कुछ अपोजिट इसका चले, है ना। देखिए यू वर्क, तुम काम करो, है ना, तुम मेहनत करो, है ना, तुम कठिन परिश्रम करो, है ना। इससे कुछ और थोड़ा सा बढ़ा दे देते हैं, नहीं हाँ यू वर्क हार्ड, इसी जगह दे देते हैं यू वर्क हार्ड सो डैट, क्या चीज हो जाएगा, सो डैट। देखिए आई एम सो डैट, यू वर्क हार्ड सो डैट यू अर्न मनी। देखिए ये क्या हो रहा है, यू हाँ भूल गए, यहां पे मे भी तो होगा ना, सॉरी। देखिए यू मे अर्न, अर्न और क्या चीज, मनी। फिर से आते हैं समझते हैं, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो, सो डैट ताकि, है ना। यहां पे आया इन ऑर्डर डैट तो भी सब्जेक्ट के बाद में लेकर के आया, और यहां आया सो डैट तो भी सब्जेक्ट के बाद में लेकर के आया, यहां भी में लेकर के आया और यहां भी में लेकर के आया। यदि डैट भी आएगा इस तरह से तो भी किसको लेके आएगा, सब्जेक्ट के उधर बाद, नहीं कुछ प्रोनाउन आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब सुटेबल रहे तो तुरंत उसके बाद किसको लेकर के आ जाएगा, मे को आ जाएगा। देखिए यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो ताकि यू मे अर्न मनी, तुम क्या कर सके, पैसा कमा सके, है ना, अर्न मनी। देखिए तो आपके आठ रूल हो गए टोटल, तीन केन से संबंधित और पांच मे से संबंधित। आज हम एक वीडियो में इन दोनों को क्यों रखे, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, सकना होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। सब का अर्थ क्या होता है, सकना। तो आपको ये पता चल गया है कि हिंदी में एक ही रहेगा केवल सकना, लेकिन इंग्लिश में कितना मिलेगा, दो मिलेगा। तो आपको ये चीज पता चला कि मैं कहां प्रयोग करेंगे और केन का कहां प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको और भी केयर से देखना है, और आज यहीं पर कहने देते हैं, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।